नमस्कार दोस्त, आज हम लेमन चावल बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 गिलास चावल ले लिए हैं। इसी गिलास लिए हैं, जिस गिलास से चावल लेते हैं उसी गिलास से 4 गिलास पानी लेना है। 2 गिलास चावल, 4 गिलास पानी, और इसको अच्छा धो लेना है। देखिए दोस्त, हमने चावल धो लिया है। अब हम पानी डालेंगे इसी गिलास से। 2 गिलास चावल है तो 4 गिलास पानी डालें। चावल के अंदर थोड़ा हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके 3 सीटी लगाना है। हमें फुलियार बनाने के लिए हम फुल्ले चिन्ह की दाल लिए हैं, थोड़ा फली लिए हैं, थोड़ा उड़द की दाल है और थोड़ी चने की दाल है, थोड़ा जीरा है, थोड़ी राई है, 2 प्याज कट करके लिए मैंने लंबे लंबे, और 5 से 7 मिर्ची, हरा मिर्ची ऐसा लंबा कट कर लेना है, थोड़ा कड़ी पत्ते हैं और 2-3 सूखी मिर्ची हैं और 2 लेमन हैं, थोड़ा कोथमीर है। इस चम्मच से मैंने 1.5 चम्मच तेल लिया है, गरम रख दिया है। मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले तेल के अंदर राई और जीरा डाल देंगे। गैस कम कर देंगे। फली उड़द दाल, फूले चने की दाल, चना की दाल, गरम चलाते हैं। सूखा मिर्ची डाल देंगे, करी पत्ते डाल देंगे, हरा मिर्ची डाल देंगे, के लिए पकाएंगे। हम चावल बंद कर दिए हैं 3 सीटी लेके। अच्छा फ्राई हो गया है देखिए। अब हम प्याज डाल देंगे।
प्याज को 2 मिनट पकाएंगे। देखिए दोस्तों, अच्छा हमारा प्याज भी पक गया है। अब हम मसाला डाल देंगे। मैंने थोड़ा नमक लिया है, थोड़ा धनिया लिया है, थोड़ा हल्दी लिया है, ये डाल देंगे। और मिक्स कर देंगे। गैस लो कर देना है। हमने जो लेमन लिया है वो कट करके रख लिया, और उसका बीज भी निकाल लेना है, नहीं तो अच्छा नहीं। देखिए अच्छा मिक्स कर लेना है। तुम्हारे पास लेमन नहीं है तो इमली भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चावल को भी ऐसा खुला कर देना है। जो हमने मसाला बनाया वो भी इस चावल में डाल देना है, कोथमीर भी डाल देना है। देखिए दोस्तों, आप भी बनाइए और खाइए। बाय बाय।